भारत ने वर्ल्ड कप 2023 में लगातार पांचवी जीत हासिल की। टीम ने न्यूजीलैंड को 4 विकेट से हरा दिया। भारतीय टीम ने इस टूर्नामेंट में कीवियों पर 20 साल बाद जीत हासिल की है। इससे पहले 2003 में सेंचुरियन के मैदान पर कीवियों को 7 विकेट से हराया था। इस जीत से भारतीय टीम पॉइंट्स टेबल के टॉप पर आ गई। अब टीम इंडिया के खाते में 5 मैचों के बाद 10 अंक हो गए हैं। ऐसे में भारत के टॉप 4 में पहुंचने की संभावनाएं मजबूत हो गई है। टीम को अब 4 में से 2 ही मैच जीतने हैं। धर्मशाला के मैदान पर रविवार को भारत ने टॉस जीतकर फील्डिंग चुनी। टॉस हार कर पहले बैटिंग करने उतरी न्यूजीलैंड की टीम 50 ओवर में 273 रन पर ऑल आउट हो गई। 274 का टारगेट भारतीय टीम ने 48 ओवर में 6 विकेट पर हासिल कर लिया। विराट कोहली ने 104 बॉल पर 95 रन की पारी खेली, जबकि मोहम्मद शमी ने 5 विकेट चटकाए। शमी प्लेयर ऑफ द मैच रहे। भारत के ओपनर शुभमन गिल ने न्यूजीलैंड के खिलाफ 26 रन बनाए। इसके साथ ही उनके वनडे में 2000 रन भी पूरे हो गए। उन्होंने 38 पारियों में 2000 रन बनाए। वह इस रिकॉर्ड तक पहुंचने वाले सबसे तेज खिलाड़ी बने।